दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिजिक्स में आज हम दोस्तों 27वां लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे विद्युत चैप्टर में विद्युत सेल के बारे में, या इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है ये आप जान पाएंगे। इलेक्ट्रिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे होता है प्राथमिक सेल हो गया, द्वितीयक सेल हो गया, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होता है। और उसके बाद भी आपको पढ़ना होता है कि प्राइमरी सेल जो है वो कितने प्रकार का होता है, द्वितीयक सेल कितने प्रकार का होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। और एक चीज और याद रखिए, सबसे कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। सर ये यूनिट का मतलब क्या है? अरे बिजली का बिल भरते होंगे ना, आपको पता होगा कि आज हमारा लाइट बिल इतने यूनिट आया, एक महीने का इतने यूनिट खर्चा हुआ, तो ये यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते, कैसे निकाला जाता है, भाई कितने वाट का बल्ब कितने मिनट तक जलाया जाए या कितने घंटे तक जलाया जाए कि हमको उसका जो है यूनिट प्राप्त हो सके, तो आज मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे तथ्यों पर आज हम बातचीत करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विद्युत सेल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। लिख रहा है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। सर एक मिनट रुकिए, रासायनिक ऊर्जा का हम लोग नाम सुन चुके हैं। सर आप एक दिन पढ़ा रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में बता रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और वहाँ पे आपने बताया कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं जब सूर्य से उनको प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उसी दिन आपने यह भी बताया था कि कभी भी ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा जो है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो रहा है। सपोज करिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ध्वनि ऊर्जा है, ये ध्वनि ऊर्जा क्या हो रही है, ये हमारे इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, कैद हो रही है, तो ये ध्वनि ऊर्जा बदल रही है विद्युत ऊर्जा में, समझ में आ रहा है। और आप जब इस वीडियो को फोन में देख रहे हैं और साथ ही साथ आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो वो विद्युत ऊर्जा फिर से ध्वनि ऊर्जा में बदल जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसी तरह से यहाँ पर जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल माने क्या, सर विद्युत सेल माने आप बैटरी की बात कर रहे हैं, हाँ भाई हाँ, मैं उसी बैटरी की बात कर रहा हूँ। तो याद रखिए, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। आगे बताइए, करें तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। सर नहीं समझ में आया, एक मिनट एक बात बताओ, मान लो मैंने आपको कोई बैटरी दे दिया, बचपन में आप खेलते थे ना बैटरी के साथ, क्या करते, एक छोटा वाला बल्ब ले करके उसके उसके दोनों सिरों को बैटरी के अलग अलग सिरों से जोड़ देते थे, जैसे जोड़ते थे वो बल्ब जल उठता था, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या था, याद रखिए वहाँ पे कुछ नया नहीं है, क्योंकि वो बैटरी में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, और वो रासायनिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के वहाँ पर बल्ब को जलता हुआ दिखाई पड़ता है। याद रखिए, उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो वायर आपने कनेक्ट किया उसी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये प्रवाह लगातार बना रहे इसके लिए विद्युत वाहक बल की जरूरत होती है। अभी आगे हम लोग विद्युत वाहक बल के बारे में भी पढ़ेंगे। अर्थात अतः परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, भाई दो बिंदु कौन सा है, वही प्लस माइनस यार, एक बैटरी का ऊपर और निचला सिरा होता है ना, तो याद रखे, अतः परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने का कार्य विद्युत सेल करता है। इस प्रकार विद्युत सेल वैद्युत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो याद रखिए, विद्युत सेल करता कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जो हमको वायर को कनेक्ट करते ही, तार से जुड़ते ही वो विद्युत ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ने लगता है। आगे दे रहा है, विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं, इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और याद रखिए, ये अब दो छड़ें होती हैं, सर दोनों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है क्या, हाँ भाई हाँ, दोनों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। याद रखिए,
अब एक छड़ होता है वो धनावेशित होता है, जो धनावेशित वाला होता है ना उसका नाम दिया जाता है एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और जो ऋणावेशित होता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको कैथोड बोलते हैं। तो याद रखेगा, आगे लिख रहा है इन छड़ों को जिस विलयन में, भाई कोई ना कोई एक विलयन चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, विलयन माने समझ रहे हैं कि नहीं, विलयन माने होता है कोई ना कोई एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर ये दोनों छड़ों को डुबो करके खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है छड़ों को जिस विलयन में रखा जाता है उस विलयन को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, कुछ नया नहीं है। जिस विलयन में इस इलेक्ट्रोड की छड़ों को रखा जाता है वही क्या कहलाता है, वही विद्युत अपघट्य कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा है कि विद्युत सेल जो होता है, आगे बता रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी तार से यदि जोड़ दें तो विद्युत धारा ये धनावेशी से ऋणावेशी की तरफ यानी कैथो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ ये जो है बहने लगती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, देखिए ये प्लस की तरफ से ऐसे ऐसे बहते हुए जा रहा है और ये माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर, और यहाँ पे देखिए बल्ब जल गया, ऐसी युक्ति आपने देखा होगा। अब इसी तौर पर बताया जा रहा है कि विद्युत सेल जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है जिसको इंग्लिश में प्राइमरी सेल कहा जाता है, एक द्वितीयक सेल होता है जिसे सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं दोनों को डिटेल से। प्राथमिक सेल क्या होता है, तो याद रखिए प्राथमिक सेल ऐसे विद्युत सेल को कहते हैं, ऐसे विद्युत सेल को कहते हैं जिसमें रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सर अभी अभी पीछे ही आपने बताया कि विद्युत सेल इन द सेंस क्या, रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ये कार्य विद्युत सेल का होता है। तो यहां पर भी वही चीजें बता रहे। तो प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। यहां पर देख रहे जो विलयन है यही रासायनिक पदार्थ है और इसी की क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। लिख रहा है रासायनिक पदार्थों के आधार पर भी अलग अलग तरह के प्राथमिक सेल होते हैं। जैसे अच्छा इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो विलयन है ना, मान लीजिए ये विलयन अलग अलग कर दिया जाए, भाई कोई अपने विलयन में जो है सल्फ्यूरिक एसिड रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, ठीक है, तो कोई नौसादर का इस्तेमाल कर रहा है, तो जो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों का विलयन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से इसके टाइप बदल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर दे रहा है कि साधारण या वोल्टीय सेल, ये पहला वाला है, ठीक है, ये सेल का पहला प्रकार है। प्राथमिक सेल में पहला प्रकार है साधारण या वोल्टी सेल। लिख रहा है इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, कह रहा है इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी विलयन के रूप में H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोड जो दो छड़े होती हैं, एक का आपका एनोड और दूसरा कैथोड, एनोड याद रखिए पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो प्लस वाली जो छड़ है दोस्तों एनोड वाली, वो तांबे की छड़ है, ठीक है, और जो कैथोड वाली छड़ है वो जिंक की छड़ होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस प्रकार के सेल में, जो वोल्टी सेल होते हैं उन सेलों में सल्फ्यूरिक एसिड को विलयन के रूप में, और एनोड की छड़ जो होती है तांबे की छड़ होती है, और कैथोड की छड़ जो होती है वो जस्ते की छड़ होती है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह का सेल है दोस्तों लेक्लांसे सेल, क्या नाम है, लेक्लांसे। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर खाली ये है कि उन्होंने क्या रखा, H2SO4 रखा, इन्होंने अमोनियम क्लोराइड रखा, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर के नाम से जानते हैं, विलयन के रूप में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल इन्होंने किया, ठीक है। और कैथोड में जस्ता सबके पास है, जो माइनस वाला है वो देखिए प्राथमिक सेल में हमने जो पढ़ा अभी वोल्टी सेल, वहां पर भी कैथोड जस्ता है, याद रखेगा डेनियल में भी जस्ता है, लेक्लांसे में भी जस्ता है, और सुस्त सेल में भी जस्ता है। मतलब जो ऋणात्मक वाला है, जो कैथोड रॉड है या कैथोड इलेक्ट्रोड जो है, वो हमेशा क्या होता है, वो जस्ते का होता है। बदलता है तो पॉजिटिव वाला बदलता है, वहां पे शुरुआत में हमने देखा तांबा का है, यहां पे देखिए कार्बन की छड़ लगी हुई है, यहां पे देखिए तांबा है, डेनियल में भी तांबा है और यहां पर भी देखिए कार्बन है, तो दो जगह कार्बन और दो जगह तांबे की लगी हुई है, ठीक है, तो वोल्टी में और डेनियल में, ठीक है, वोल्टी में और डेनियल में क्या है, तांबे की छड़ है, लेक्लांसे में और में ये कार्बन की छड़ लगी होती है। और अंतर होता है विलयन का, जैसे यहां पर अमोनियम क्लोराइड है, नौसादर है, उसी तरह से डैनियल ने जो है
डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है विलयन के रूप में, जबकि शुष्क सेल की बात करें तो उसमें जो विलयन होता है, विलयन नहीं होता, विलयन होता है, विलयन के स्थानांतरण में क्या क्या आता है, अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लेई, ठीक है, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लेई का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर विलयन इस्तेमाल किया जाता था जबकि यहाँ पर लेई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अंत देखिए बहुत एकदम एक ही तरह के हैं, तो यहाँ पर लिख भी तो रहा है कि लेक्लांसे सेल का संशोधित रूप है, और रूप में कुछ बदला नहीं, जो धनावेशित और ऋणावेशित वाला छड़ था, यानी एक तरफ कार्बन की और एक तरफ जस्ते का, वो वैसे ही है, कार्बन जस्ता ही है, बदला तो क्या बदला भाई, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड विलयन के रूप में था, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, गाढ़ी लेई के रूप में हो गया, बस इतना ही तो आपको याद रखना है, बाकी डैनियल में कॉपर सल्फेट आ गया, समझ में आ रहा है, इसको आप ध्यान देते चलिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा है, एक लेक्लांसे सेल है, ये डैनियल सेल का एग्जाम्पल है, और ये आपका जो है शुष्क सेल है, जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं ना, ये शुष्क सेल होता है, सूखा हुआ, ठीक है, शुष्क सेल, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों द्वितीयक सेल की तरफ। द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल क्या होता है, लिख रहा है इन सेलों में पहले किसी अन्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पहले एक बार क्या किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जैसे अभी देखो घर में इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर, अच्छा दो एग्जांपल लेता हूं, एक वो वाला बैटरी लेता हूं जो आपके टॉर्च में लगता है, ठीक है ना, टार्च में एक जो बैटरी लगता है ना, उस बैटरी को ले लेता हूँ, या आपके घड़ी में जो लगता है बैटरी, पेंसिल बैटरी जिसको आप बोलते हैं, या टीवी के रिमोट में जो बैटरी लगता है, मैं उस बैटरी की बात कर लेता हूँ। वो बैटरी देखिए डायरेक्ट उसके अंदर एनर्जी होती है, और एक बार जब वो एनर्जी समाप्त हो जाता है तो फिर आप उसको फेंक देते हो, फिर दूसरी बैटरी ले लेते हो। अब एग्जाम्पल मत देना सर ड्यूरासेल लंबा चलता है, ड्यूरासेल को दोबारा चार्ज कर सकते हैं, यार वो बाद की बात है, जो चार्जिंग वाला सेल आता है ना वो दूसरा सेल होता है, ठीक है, वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर बना होता है, जो नॉर्मल मार्केट में बिकता है 10-5 रुपए में, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो एक होता है, और जो घर में इन्वर्टर होता है उसके साथ भी तो बैटरी लगी होती है, अंतर है भाई, बैटरी बड़ी है वहां पे, पेंसिल बैटरी, यहां पे बड़ी वाली बैटरी होती है। तो ये इन्वर्टर बैटरी की खासियत क्या होती है कि रोज चार्ज होती है, लाइट आता है चार्ज होता है, तो लाइट आएगा तो चार्ज हुआ, लाइट आएगा बस यहीं पर रुको, लाइट आया चार्ज हुआ, अब रुको, करा इन सेलों में सबसे पहले किसी अन्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती, लाइट आई, ठीक है, और चार्ज हुआ, कैसे, जब लाइट आई तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तब्दील होकर उसके अंदर स्टोर हो गया, भर गया, और जब लाइट कट जाती है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में फिर हम उसको वापस इस्तेमाल कर पाते हैं, यही तो होता है इन्वर्टर की बैटरी में। तो आगे लिख रहा है, इससे विद्युत अपघट्य की रासायनिक ऊर्जा बढ़ जाती है, इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। भाई जब लाइट आती है विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, तो धीरे धीरे रासायनिक ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा ना भाई, पहले बैटरी 10% चार्ज थी और लाइट मिला 20% हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, 60 हुई, 80 हुई, 100 हुई, तो ऐसे करके चार्जिंग होता है। करा सेल का उपयोग करते समय बढ़ी हुई रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण पुनः विद्युत ऊर्जा में हो जाता है, और उसी को निरावेशन कहा जाता है, डिस्चार्जिंग होता है, जब लाइट कट जाती है तो ये डिस्चार्जिंग के रूप में आपके सामने आ जाता है। लिख रहा है इन सेलों में वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संचय किए जाने के कारण इन्हें संचायक सेल कहा जाता है, या स्टोरेज सेल का नाम दिया जाता है, ठीक है। अक्सर करके जो मोटर गाड़ी है हमारे घरों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, यहाँ पर जो बैटरी लगी होती है वो संचायक सेल ही लगा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से हमारे बाइक में भी जो बैटरी लगी होती है छोटी सी, वो भी संचायक सेल होता है। लिख रहा है विद्युत धारा के प्रकार, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ बट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लिख रहा है विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी होता है, ठीक है। एसी माने अल्टरनेट करंट होता है, जिसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और डीसी माने डायरेक्ट करंट होता है, जिसको हम दिष्ट धारा बोलते हैं। लिख रहा है यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, यानी धारा का प्रवाह तो एकांतर क्रम में समानांतर रूप से होता रहता है लेकिन आगे पीछे, तभी उसको अल्टरनेटिव बोला जाता है, ठीक है। और याद रखिए हमारे घरों में जो भी विद्युत सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिव करंट की सप्लाई होती है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है दोस्तों, यहां पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक समान दिशा में गतिमान रहता है यहाँ पर जो धारा होती है, ठीक है, इसीलिए इसको दिष्ट धारा कहा जाता है। जो विद्युत सेल होता है उसमें याद रखिए उससे जो प्राप्त है वो विद्युत धारा क्या होती है, दिष्ट धारा होती है, ठीक है। यानी इन्वर्टर वाली बैटरी में यहाँ पर जो होती है दिष्ट धारा, याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है विद्युत वाहक बल, कभी से आपने विद्युत वाहक बल का नाम सुना ना, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सुनिए। लिख रहा है किसी चालक में, चालक कुचालक तो पढ़ाया गया आपको ना, चालक माने कंडक्टर होता है, कंडक्टर माने जहाँ पर विद्युत की चालकता हो, यानी विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। लिख रहा है किसी भी चालक में
गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो गति करता है भाई, उसी के आधार पे तो विद्युत धारा इधर उधर जाती आती है। तो लिख रहा है किसी चालक में गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के परमाणुओं द्वारा उत्पन्न बाधा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। अतः चालक में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी न किसी स्रोत में ऊर्जा देना आवश्यक होता है। यही ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए बल प्रदान करती है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो विद्युत वाहक बल है, यह एक ऐसा बल है जो किसी भी परिपथ में, परिपथ माने समझ रहे हैं जिसमें वो दौड़ेगा विद्युत धारा, लिख रहा है कि जो किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। हमारे घरों में वायरिंग हुई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार दौड़ रहे हैं तो उस पर एक बल काम कर रहा है, वही क्या है? विद्युत वाहक बल है जो यह मेंटेन किए रहता है। क्योंकि अगर ये धारा प्रवाह रुका तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइट से, वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो याद रखिए इस पर काम करता है। इसे विद्युत सेल, जनरेटर, विद्युत प्रकाश विद्युत सेल आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कभी संयोग से अगर विद्युत धारा का प्रवाह रुक गया है तो ऐसे में हम विद्युत को पैदा भी कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा सर जनरेटर लगा लेते हैं, आपने कहा सर इन्वर्टर लगा लेते हैं, या किसी प्रकाश विद्युत सेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो गए जिसके माध्यम से आप जो है इसको पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है। बहुत टिपिकल चैप्टर है यार, ठीक है, बड़े आराम आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होता है, लिख रहा है विभिन्न विद्युत उपकरणों का एक ऐसा संयोजन माने मिलान। ठीक है, ढेर सारे उपकरणों को मिलकर कुछ ऐसा बनाना, ठीक है, संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर वैद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार का कार्य करने के लिए किया जाता है। मतलब विद्युत धारा वहां पे डाल दिया और उससे जो एनर्जी पैदा हो रही उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो याद रखिए किसी भी सरल परिपथ में मुख्यतः तीन तरह के उपकरण होते हैं इस तरह के। एक होता आमीटर, ठीक है, क्या होता है आमीटर। अब देखिए इसके निर्माण में क्या होता है, धारामापी का नाम सुना है आपने, गैल्वेनोमीटर का नाम सुना है ना, धारामापी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में होता है। करा इसका निर्माण धारामापी के समानांतर क्रम में अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार लगाकर किया जाता है। दोस्तों ये शब्द याद रखना, अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो याद रखिए अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार लगा करके इस तरह के मीटर को बनाया जाता है। यह यंत्र विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, पता करके बताता है कि धारा की स्पीड क्या है। ठीक है, तो एम्पियर में मापता है, इसीलिए इसे इस मीटर को कभी कभी एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। एम्पियर मीटर या मीटर, एम्पियर मीटर या मीटर, ठीक है, ध्यान दीजिए। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम, समानांतर माने श्रेणी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा याद रखिए बोल्ट मीटर, तीन तरह के होते हैं, पहला अमीटर, दूसरा बोल्ट मीटर है। लिख रहा है यह एक ऊंचे प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है, वो अत्यंत कम प्रतिरोध वाला होता है। अमीटर क्या है? सबसे कम प्रतिरोध। कैसे याद रखेंगे? अ बताइए, पहले आता है कि बाद में आता है? सर पहले आता है, तो कम याद रखिए, कम प्रतिरोध। और यहाँ पर वोल्ट मीटर दे रहा है तो वह जो है बहुत दूर आता है ना, अरे क ख ग पढ़ेंगे ऐसे करते चले जाएंगे, वह कितना दूर आएगा, बहुत दूर आता है। तो याद रखिए कि यह ऊंचे प्रतिरोध वाला धारा मापी है, मजाक में याद करा रहा हूँ आपको ताकि भूले ना, मुद्दा है ना भूलने का यार। ठीक है, कैसे भी पढ़ो भूलना नहीं चाहिए। यह एक ऊंचे प्रतिरोध वाला धारा मापी है जिसका उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर को मापता है, इसीलिए इसका नाम वोल्ट मीटर भी है। ये इसे उन बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक और तीसरा होता है धारा नियंत्रण, इसको बोलते हैं। ठीक है, करा इस उपकरण में परिपथ को धारा की प्रबलता कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अक्षीकृत नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा दोस्तों विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप पता कर पाओगे कि आप अपने घर में कितने यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको बात नहीं समझ में आएगी। लिख रहा है किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अरे सर नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमारे घर में वायर है, वायर क्या है, चालक है कि कुचालक है,
नॉर्मल सी बात है, चालक है। क्यों चालक है? क्योंकि यहाँ पर धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है। अच्छा, धारा प्रवाह में होता क्या है सर? वही मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ते भागते हैं, अच्छा उन पे कोई चार्ज होता है तो उसको आवेश हम लोग बोलते हैं ना, वही लिख रहा है। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, दूसरा याद रखिए, विद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसको कभी कभी विद्युत शक्ति को विद्युत सामर्थ्य भी कहा जाता है, पावर यानी सामर्थ्य। ठीक है, लिख रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होती है, मतलब कितनी ऊर्जा कितने समय में, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो दर होती है विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिए विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य बराबर जो विद्युत ऊर्जा है उसके बटा के समय। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि वाट बहुत छोटा मात्रक होता है, इसलिए हम ज़्यादातर किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं, मेगावाट का करते हैं, या फिर अश्व शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जो बड़े मात्रक होते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी आपको ये भी पूछता है कि एक किलो वाट में कितना वाट होता है, तो याद रखे एक किलो में जैसे 1000 ग्राम होता है तो कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो याद रखेगा 10^3 वाट। अरे अपने मन से याद कर लो यार, हैं ऐसा कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मन से याद करो, 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 10^3 वाट, 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाता है, 10^6 वाट। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। दूसरा दे रहा दोस्तों, 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, हार्श पावर। मैंने बताया था आपको हार्श पावर की कहानी। ठीक है, 746 वाट होता है 1 हार्श पावर बराबर। ठीक है, क्यों दोस्तों यहाँ पर एलिफेंट पावर क्यों नहीं है, लायन पावर क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर घोड़े की बात की गई है? क्योंकि घोड़े का जो पंजा होता है, एक बार अगर हिलना के घोड़ा पंजा उठाकर किसी पत्थर पर है ना, तो उससे जो शक्ति जनरेट होती है वो 746 वाट की होती है। इसलिए यहां पर अंग्रेजों ने 1 अश्व शक्ति 1 हार्श पावर बराबर कितना लिया है, 746 वाट लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है विद्युत ऊर्जा की माप कैसे करते हैं, लिख रहा है घरों में फैक्ट्रियों में जो बिजली व्यय होती है उसके लिए जो मूल होता है वो विद्युत उसी के आधार पर विद्युत ऊर्जा निकाला जाता है। लेकिन याद रखें विद्युत शक्ति के आधार पर नहीं, जो विद्युत ऊर्जा आपने पढ़ा है ना उसके आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, आगे दे रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, नॉर्मली तो जूल होता है लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह मात्रक भी छोटा होता है। जैसे अभी हमने देखा कि वहाँ वाट था, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाट था लेकिन वो छोटा है, किलो वाट मेगा वाट और अश्व शक्ति आ गया। उसी तरह से ऊर्जा का मात्रक जूल होता है लेकिन इसके स्थान पर यहाँ पर हम 1 किलो वाट घंटा का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? BOT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BOT। ठीक है, तो अब BOT बड़ा हो जाता है तो इसको शॉर्टकट में सीधा सीधा यूनिट ही हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि यदि 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटा जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। याद रखिए यूनिट निकालते कैसे हैं, तो याद रखिए कुछ करना नहीं होता है, सीधा कितने वाट का बल्ब है, मान लो 100 वाट का बल्ब है, कितने घंटा जला रहे हो, 10 घंटा जला रहे हो, डिवाइड बाई 100 कर लो। ठीक है, क्या कर लो, डिवाइड बाई 100 कर लो। ठीक है, तो 100 × 10 और डिवाइड बाई 100 नहीं सॉरी 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 सर 1000, यहाँ पे 1000 कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया, अब क्या बच गया यहाँ पर हमारा, सीधा 1 हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल होता है। अभी आगे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा लेकिन बाद में। ठीक है, चलिए यहाँ पर परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, दे रहा है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, लिख रहा है यह टीन एवं लेड की एक मिश्र धातु होती है। दोस्तों अक्सर आपने फ्यूज देखा होगा ना, इन्वर्टर वगैरह में फ्यूज लगता है। क्यों लगता है भाई? कभी मान लीजिए बहुत तेज बिजली आ गया तो ऐसे में फ्यूज उड़ता है, पूरा इन्वर्टर बच जाता है आपका। तो बड़े बड़े जितने भी सामान होते हैं या हमेशा घर में फ्यूज भी लगाए जाते हैं ताकि जो कभी लाइट अगर तेज आए तो फ्यूज पर ही प्रभाव पड़े, उसका पूरे घर पर प्रभाव ना पड़े अलग अलग यंत्रों पर। तो याद रखिए जो फ्यूज होता है दोस्तों, यह टिन और लेड का एक मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है लेकिन प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होता है, गलनांक कम होता है। ठीक है, जब विद्युत धारा का मान परिपथ में बढ़ता है तो फ्यूज का तार गलनांक कम होने की वजह से यह गल जाता है। ठीक है, अगर कभी भी यहाँ पर वही लाइट तेज होगा तो यह गल जाएगा तो कनेक्टिविटी वहीं से कट जाती है, ऐसे में हमारे यंत्र बच जाते हैं। लिख रहा है बिजली का बल्ब अब तो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अब जो है आपका CFL वगैरह आ गया है। ठीक है, तो जब बल्ब हुआ करता था, अभी भी बल्ब है, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं होता, होता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है दोस्तों, उसके अंदर टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखें टंगस्टन, कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जा चुका है। बल्ब के भीतर जो हवा होती है वो अक्रिय गैस भरी होती है, जिससे आर्गन टाइप की हवा भरी होती है। क्यों? क्योंकि दूसरी हवा कोई भर देंगे तो ऐसे में वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, इसलिए हवा नहीं भरी जाती, टंगस्टन जो है याक्षिकृत होकर भंगुर हो जाएगा, इसी वजह से उसके अंदर हवा नहीं होती, कोई निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। ठीक है, ताकि ऑक्सीकरण को रोका जा सके,
सके या फिर बल्ब को काला होने से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर एक तरह की युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या फिर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में जो है बदलता है, दोनों करता है। इसलिए दो तरह के होते हैं, आपने सुना होगा ऊंचाई अपचाई, ऊंचाई और अपचाई। आपने सुना होगा सेटअप टाइप होता है और स्टेप डाउन टाइप होता है, स्टेप अप टाइप और स्टेप डाउन टाइप। तो याद रखिए, स्टेप अप, अप माने ऊपर जाओ, यानी निम्न वोल्टता से ऊपर की वोल्टता यानी उच्च वोल्टता में परिणत करता है, और वहीं स्टेप डाउन जो है उच्च को निम्न में करता है। तो दोनों याद रखेगा, ठीक है। आगे जरा विद्युत मोटर, कह रहा है एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत मोटर का काम है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। आप कहोगे सर एग्जांपल, अरे आपके घर में टंकी लगा है, पानी वाली टंकी, तो टंकी में पानी कैसे भरते हैं? मोटर से भरते हैं ना। तो मोटर जब चलाते हो तो बिजली मोटर में जाती है, लेकिन बिजली थोड़े आपका सामान पानी पहुंचाती है, वो बिजली उसमें जाती है तो मोटर जो है घूमता है, उसके साथ होगी पंखी घूमती है और पंखी प्रेशर बनाती है तब पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा को हमने बदल किसमें दिया? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, तब ऐसा काम हो पा रहा है। लिख रहा है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है वो मोटर। माइक्रोफोन का नाम सुना है ना, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। जैसे माइक्रोफोन, ईयरफोन वगैरह जब इस्तेमाल करते हैं आप बात करते समय, माइक्रोफोन ही होता है, या जो हम लोग पढ़ाते हैं, जब मैं लाइव आके पढ़ाता हूँ तो ऐसे में मैं अपने कॉलर पे लगाता हूँ, वो माइक्रोफोन होता है। याद रखिए, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये भी काम करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे और भी भाई बंधु जो हैं वो देख पाएँ। एक बात और याद रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बेशक आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी सबसे बेहतर तैयारी हो पाएगी, क्योंकि स्टडी 91 पर सभी विषय को पढ़ने के लिए मिलता है आपको और डिटेल से पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही सीरीज समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को प्लीज दोस्तों शेयर जरूर से करिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।